वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम मिलने वाले हैं एनडीए 151 कोर्स ऑल इंडिया रैंक 48 से। एंड टुडे आई हैव ऑन दिस शो हर्ष कटारिया ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान। लेट्स वेलकम हर्ष और जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी। सो इन दिस होल प्रोसेस सेंचुरियन के ऊपर रिसर्च करके हाउ डिड यू कम टू अस और कैसे डिसाइड किया नहीं आई हैव टू कम एंड व्हेन डिड यू जॉइन सेंचुरियन एंड आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा यहाँ पर? तो मैम मैं पहली बात तो मैं तीन अटेम्प्ट देने के बाद मेरा ये तो श्योर हो गया था कि मेरे को गाइडेंस चाहिए। तीन अटेम्प्ट ना होना इसका मतलब ये यू आर लैकिंग समथिंग। तो वो एंड तीन बार हुआ है तो या इट इज़ मेजर व्हाट यू आर लैकिंग, वो से छोटा मोटा नहीं है। तो मेरे को गाइडेंस चाहिए था, स्ट्रिक्ट गाइडेंस चाहिए था। तो ऑब्वियसली बात मैं अकेडमी और मेरे को अकेडमी ऐसा था क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मेरे को अकेडमी भी ऐसी चाहिए थी जो मेरे को बेस्ट थी, मेरे को बेस्ट अकेडमी चाहिए। तो मैंने गूगल पे देखा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, रिव्यूज़ पढ़े, हर एक अकेडमी के रिव्यूज़ किए, उनको कॉल करके मैंने पूछा, तब मेरे को सेंचुरियन के बारे में पता चला। अब मैं राजस्थान से हूँ तो है अकेडमी थी लखनऊ में, सो या इट्स क्वाइट फार। बट जब ये वही है, जब आपकी जो डेस्टिनी होती है वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाती है। तो ऐसा ही था, फिर चाहे कुछ भी हो मेरे को करना था तो फिर चाहे फिर तो लखनऊ में हो फिर चाहे तमिलनाडु, मेरे को जाना तो था ही। तो फिर मैंने कॉल किया, मैंने प्रोसेस पता किया रिटर्न का कैसा है, SSB का कैसा है। फिर मैंने पापा को बताया, पापा माय डैड वाज क्वाइट फार सो बात ही होती थी। तो बताया पापा को कि कैसा क्या है, मम्मी को बताया। शुरू में तो उनको लगा कि हाँ यूपी जाएगा, थोड़ा वो है पहली बार, बोले ठीक है, लेकिन कोई ना, पापा मम्मी सपोर्टिव कि हाँ जा बेटा पढ़ कर, लास्ट अटैम्प्ट है, सपना था। तो मैं बोले ठीक है, बिकॉज आई वॉज फोकस्ड, मेरा क्लियर था कि हाँ मेरे को करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो दैट वॉज मोटिवेटेड मी और इसलिए फिर मैं सेंचुरियन आया और रिटर्न प्रोसेस के थ्रू मैं गो थ्रू हुआ। जो मेरे को मेन चीज़ चाहिए थी कि मैथ में मेरा जो कोविड में गया था वो मेरे को सीखना था और जो क्वेश्चन में डाउट थे वो डाउट भी क्लियर करने थे। क्योंकि जब तक टीचर आपके सामने नहीं है वो आपको समझा नहीं देता, आप वो चीज़ ऑनलाइन से नहीं सीख सकते जो आपको प्रैक्टिकल से, नहीं तो फिर स्कूल जाने की जरूरत ही क्या थी। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे मिली, प्रैक्टिकल गाइडेंस मिली, डाउट क्लियरेंस मिला जो जिसने काफ़ी हेल्प किया मेरे को। और जो मॉक टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट में इज़ वेरी एसेंशियल क्योंकि आपको टाइम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड आ जाती है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में आप कितना टाइम डिवोट करना है वो नहीं पता चलता आपको। वो चीज़ सीखने आ गई और जब वो चीज़ समझ में आ गई तो पेपर तो आराम से फाइट हो गया, पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं आई। बात आई SSB की, SSB मेरे फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एंड लास्ट था मैं SSB डू ऑर डाई सिचुएशन। दिस इज वेरी, मतलब इनकी स्टोरी में ये बड़ी अच्छी बात है कि चार अटेम्प्ट्स में एक लास्ट क्लियर भी हुआ तो दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट। तो ना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ना कुछ, फ्रेशर की तरह जाना था एंड जस्ट फाइट करना था। अब ये बताइए मुझे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे तैयारी कर रहे थे आप। हाँ तो मैम SSB मैं जैसे कि बताया एकदम नया था, SSB के बारे में सुना था। और क्या है कि बच्चे SSB प्रिपरेशन बाद में करते हैं, उसके मिथ उसके बारे में पहले सुन लेते हैं कि कितना हाई फाई होता है, इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग करते हैं, तो एक माइंडसेट बन जाता है सबके। मेरे मन में माइंडसेट था कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो लेकिन जब यहाँ पे आया तब इतना मुश्किल लगा नहीं मेरे को टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग जब स्क्रीनिंग प्रोसेस मुश्किल है यहाँ पे अकेडमी में, क्योंकि यहाँ पे हम एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों को टैकल कर रहे होते हैं जो कि इवेंचुअली बेनिफिशियल है। आपको बताता है कि क्योंकि जितने लोगों को आप यहाँ पे टैकल करते हैं उससे कम ही आप SSB में टैकल करते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। और क्योंकि वो आपका एक लिमिट बनी, जैसे मैं एक बार जब मैं यहाँ पे रिकमेंड हुआ था अकेडमी में, जब मेरे को स्क्रीन इन कर दिया था तो उस टाइम पे मेरा जो बैच था उसमें 30 स्टूडेंट्स थे जो GD कर रहे थे एक साथ, उसमें मैं स्क्रीन इन हो गया था। तो एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब अगर 30 लोग आ गए तो हाँ मैं हैंडल कर लूँगा। और यहाँ पे जो डोजियर किया था उसमें जो शीशे सर थे जो साइकोलॉजिस्ट, वो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि अगर आपके सामने टैट में पिक्चर आ जाती है तो आपको पिक्चर को एसेस कैसे करना है, कितने एक्टर्स हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, मूड और सराउंडिंग के हिसाब से कैसे स्टोरी बना सकते हो और स्टोरीज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि अच्छी स्टोरी बनती हैं। तो सभी, अब मेरे क्या है क्यूरियोसिटी थी, मेरे को ये था कि हाँ स्टोरी तो मेरे को अच्छी बनानी ही बनानी है, कुछ भी हो जाए। तो मैं एक स्टोरी बनाई, सर ने दिखाई फोटो, मैंने स्टोरी बना दी। सर मैंने असेस करवाई सर से, सर बोले कि ठीक है अच्छी है बट और बेहतर हो सकती है, ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने वो प्रॉब्लम देख के एक उसी फोटो पे एक अच्छी स्टोरी बना दी। सर बोले कि हाँ अब ये परफेक्ट है। तब मैंने देखा कि हाँ ये स्टोरी ऐसे, इसको परफेक्ट बोलते हैं, ये परफेक्ट है।